दोस्तों क्या आप जानते हैं घर में आप आसानी से ऐसे क्रिस्पी बढ़िया फूले फूले आलू के पापड़ चंद मिनटों में ही घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। इन्हें बनाना बेहद ही ज़्यादा आसान है। घर पे आलू सभी के अवेलेबल होते हैं और पापड़ किसे अच्छे नहीं लगते रोटी के साथ, और इतने स्वाद ही बढ़िया बढ़िया पापड़ घर पे बन के तैयार हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। और आवाज़ सुनिए, इतना क्रिस्प, भाई वाह। तो चलिए बताते हैं ये क्रिस्पी आलू के पापड़ आपको कैसे बनाने हैं। इनके लिए आपको कुछ आलू ले लेने हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और उनको आपको बॉयल कर लेना है। दोस्तों बॉयल करते वक्त आपको थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना होगा ताकि ये आलू थोड़े से नमकीन हो सकें। फटाफट से इसे दिला लेते हैं सीटी और बॉयल कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आलू को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। बॉयल हो चुके हैं हमारे आलू, मैं लगभग इसे 10 से 15 मिनट ठंडा होने दूंगा और उसके बाद एक प्लेट में इसे फटाफट से बाहर निकाल लेता हूं। लेकिन आलू के पापड़ बनाते वक्त आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये आलू बिल्कुल भी गीले नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जो हम इसका डो अभी तैयार करेंगे उसमें सीलन गीलापन आ जाता है, उससे पापड़ क्रिस्प नहीं बन पाते हैं। तो आलू बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, आलू को आराम से सूखने दीजिए और उसके बाद छीलने के बाद भी आलू को थोड़ी देर सूखने दीजिए। आलू सूखा हुआ होगा उतना ही बढ़िया पापड़ बनके तैयार होगा। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कुछ आलू को छील लें। दोस्तों मुझे लगता है मेरे को जितनी क्वांटिटी पापड़ की ज़रूरत है उस हिसाब से मात्र 4-5 आलू ही काफ़ी होंगे मुझे। मैंने एक रेसिपी और बनानी थी बाद में, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा छील लिए हैं। तो चलिए लगभग 4 से 5 आलू जिनको मुझे चाहिए इस रेसिपी के लिए, पापड़ बनाने के लिए, वो मैं सब फटाफट से झटपट से छील लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने आलू छीलने शुरू कर दिए हैं। लगभग आधा मिनट और लगेगा, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ ताकि आपको फटाफट से छीले हुए आलू दिख जाएं और आपको पता चल जाए कि 4.5 आलू हमारे छिल गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे छाले के छाले आलू छिल चुके हैं, तो इन्हें फटाफट से कद्दूकश कर लेते हैं। दोस्तों हम इन्हें ना हाथ से भी भूर सकते थे, दबा सकते थे, लेकिन कद्दूकश करने से क्या होता है, एक एक मुहिम रेशा हमें आलू का मिल जाता है। इससे आलू जो है बड़ा खिल के आता है, जो इसका डो तैयार होगा वो बहुत ही बढ़िया खिल के तैयार होता है, जिसकी वजह से दोस्तों पापड़ बेहद ही ज़्यादा खुला खुला क्रिस्पी वाला बनता है। तो चलिए दोस्तों सारे के सारे आलू हमें कद्दूकश कर लेने हैं। ये जो और आलू रखे हैं जो हम इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करने वाले, उन्हें फटाफट से हटा देते हैं और इन सबको कद्दूकश करके आपको दिखा देते हैं कि हमें अब इसमें क्या क्या चीज़ें सामग्री मिलानी है कि ये आलू एकदम बढ़िया क्रिस्पी पापड़ बना के तैयार हो सकूँ। तो चलिए दोस्तों सारे के सारे हमने जो आलू हैं वो अब कद्दूकश कर लिए हैं। लगभग आधा मिनट और लगेगा, लेकिन हम ये भी आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि सारे के सारे हमने लगभग आलू कर लिए हैं, ग्रेट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम इनमें फटाफट से इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाले के रूप में सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, नमकीन तो होना ही चाहिए आलू, तभी पापड़ बढ़िया बनके तैयार होगा। थोड़ी सी काली मिर्च डाल रहे हैं और थोड़ा सा जीरे का पाउडर, भुना हुआ जीरा उसका पाउडर, आप चाहें तो उसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं या फिर चिल्ली फ्लेक्स। तो इसको अच्छे से गूंथ लीजिए, आलू बिल्कुल भी गीला ना हो इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो ये अच्छे से गूंथा नहीं जाएगा। तो चलिए फटाफट से हमने सारा का आलू उलू गूंथ लिया है, सेट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से गूंथ के तैयार है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस आलू को जो हमने गूंथा है इसके आपको हल्की सी ऑयलिंग करके छोटी छोटी पेड़ियाँ बनानी होंगी। तो हाथ में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल ताकि ये बिल्कुल भी बेलते वक्त चिपके नहीं। ऑयल लिया और अच्छे से इसको पूरा सा क्रिस्पी कर दिया। दोस्तों अगर आपका ये मिश्रण चिपचिपा है तो पापड़ बनने को बेहद ही ज़्यादा कठिनाई आ सकती है, तो बिल्कुल भी इसको चिपचिपा ना रहने दें, अच्छे से इस डो को तैयार कर लें। बहुत ही बढ़िया आलू का डो हमने तैयार कर लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉलीथीन शीट ले लेनी है। सबसे पहले आप इनके छोटे छोटे डो के टुकड़े निकाल लीजिए। पॉलीथीन शीट इतने अरेंज कर लें या फिर दिमाग में सोचने लग जाएँ कि एक पॉलीथीन शीट जो आगे पीछे से पॉलीथीन हो वो कहाँ मिलेगा घर में। तो चलिए सारे के सारे डो अब तैयार हो चुके हैं लगभग, सब पे अच्छे से ऑयलिंग कर लें, और अगर आपको लगे हाथ में ऑयल कम है तो थोड़ा और बढ़ा लें, लेकिन ये चिपचिपा फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से हमारे पापड़ के डो बनके तैयार हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा पतला करने के लिए या फिर थोड़ा छोटा करने के लिए और छोटा डो भी तैयार कर सकते हैं, मतलब और छोटा भी पीस ले सकते हैं। अब दोस्तों और हल्का सा ऑयल लेके हल्की सी और ऑयलिंग कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके, क्योंकि जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हमें पॉलीथीन की एक शीट लेनी है ऊपर और नीचे, और इसको उसमें प्रेस करना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, पापड़ बनाते हैं। अब दोस्तों इसको प्रेस करने के लिए मैं आपको बता दूँ 2-3 तरीके हैं। चकला बेलन पर कर सकते हैं, पूड़ी मेकर में कर सकते हैं, पॉलीथीन के बीच में दो फंसा के ऊपर से कटोरी रख के दबा सकते हैं, लेकिन मेरे पास पूड़ी मेकर है इसलिए मैं पूड़ी मेकर की सुविधा लूँगा। प्लास्टिक शीट रखूँगा जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लास्टिक हो, और इसको अच्छे से मैंने प्लास्टिक शीट को अंदर से ऑयल भी कर लिया है। अब पूड़ी मेकर की मदद से मैं इसे दबा लेता हूं और मेरा पापड़ बनके तैयार है। आप देख सकते हैं दोस्तों पापड़ बनके तैयार है,
अब इसे खोल के दिखाता हूँ। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस पापड़ को आपको सुखाना होगा, धूप लगवानी होगी। तो चलिए धूप लगाने के लिए मैं टेबल पे या तो फॉइल पेपर ले लूँगा या फिर इसी पॉलीथीन शीट के अंदर ही ऐसे के ऐसे ही पापड़ सुखाने ले जाता हूँ। तो मैंने इसमें जैसे कि चार पापड़ लगा दी हैं, ऐसे ही ढेर सारे टिश्यू पे लगा के अब मैं धूप में पहुँच चुका हूँ और मैं अब इन्हें सुखा रहा हूँ। लगभग आधे सूख चुके हैं, आप देख सकते हो बीच में डार्क कलर भी है और कहीं से लाइट कलर भी है। इसका मतलब ये है कि कहीं से पापड़ सूख चुका है और कहीं से अभी भी गीला है। दिखाते हैं, जहाँ से हल्का सा पापड़ मोटा रह जाता है वहाँ से सूखने में हल्का इसे समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मात्र 3 से 4 घंटे में बढ़िया से सूख के तैयार हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो पापड़ हैं वो लगभग सूख चुके हैं। देख सकता है कहीं से हल्का सा कलर लाइट हो चुका है और कहीं से थोड़ा डार्क है। थोड़ी देर और अब देख लीजिए, हमारे पापड़ मुझे लगता है और अच्छे से सूख चुके हैं। लगभग 4 घंटे हो चुके हैं मुझे धूप में। अब दोस्तों इसको फटाफट से तोड़ के देखते हैं। ये क्रिस्पी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी इसमें गीलापन है। और 1 घंटा वेट करूँगा मैं। अब देखते हैं, ये देखिए अब मुड़ रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये अब लगभग तैयार है। थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ के देखता हूँ अगले वाला टुकड़ा। ये लगभग तैयार हो चुके हैं 4 से 5 घंटे में। इसे पूरा फोल्ड करके देखा है दोस्तों, अब ये पापड़ मुझे लग रहा है पूरा तैयार है। भाई वाह, कितना बढ़िया क्रिस्प हो गया है। तो चलिए कढ़ाई की तरफ चढ़ते हैं, इसको फटाफट से तल लेते हैं और आपको दिखाते हैं पापड़ कितने बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार हुए। ऑयल थोड़ा लिया, ऑयल को गर्म होने दिया और ये डाला पापड़। पापड़ की एंट्री हुई और पापड़ बहुत ही बढ़िया ये आलू के पक के तैयार हो चुके हैं। कैसे लगा दोस्तों आपको ये पापड़, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमने बेहद ही मेहनत करके पापड़ बना के तैयार किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और अगर मज़ा आया तो शेयर करने के साथ साथ डिलीशियस फूड को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम आपको पापड़ की आवाज़ भी सुनाएंगे, कितना बढ़िया क्रिस्प बन के तैयार हुआ है। ढेर सारे पापड़ पहले निकाल लेते हैं। ये गया आधा पापड़ भी जो हमने आपको तोड़ के दिखाया था कि हाँ सच में बन चुका है। तो चलिए भैया कोई फटाफट से हमें इस पापड़ की क्रिस्पीनेस की आवाज़ सुना दे, ताकि हमारे कानों में इसकी आवाज़ पड़े और हमें पता चले कितने बढ़िया क्रिस्प पापड़ बनके तैयार हैं। निकाल लिए हमने सारे के सारे पापड़ बाहर तल के। तो वेट करते हैं थोड़ी सी, ऑयल निकल गया है। तो ले लीजिए, देख लीजिए भाई पापड़ कितने बढ़िया बने हैं। थोड़े से ज़्यादा एक साथ निकाल लूँ, फिर आपको आवाज़ जल्दी सुनाने वाला हूँ मैं फ्रेंड्स, आपको भी मज़ा आएगा इनकी आवाज़ सुनने में। दोस्तों जब तक ये वीडियो चल रहा है आप प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेहद ही मेहनत करके वीडियो तैयार करा है, हम फिर से लौटेंगे एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया नई रेसिपी लेके, और तब तक आपको सुना देते हैं इसकी आवाज़, क्रिस्पीनेस दिखा देते हैं। टक, भाई वाह, ये भी सुन लो यार। तो चलिए मैं चलता हूँ, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।